हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आप लोगों के लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं उसके बारे में वीडियो लेकर आई हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द गुड कमेंट्स विच आई एम गेटिंग, और इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे सजेशन देते रहिए कि मुझे आप लोगों के लिए और कौन से वीडियोज़ में मुझे बनाना चाहिए। आई विल ट्राई ऑल दोज टॉपिक्स एंड पोस्ट द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सो आइए देखते हैं हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहले जेनिटालिया को टॉयलेटिंग करने के लिए हमें सैवलन स्वैब्स चाहिए, तो ये सैवलन स्वैब्स है। टॉयलेटिंग के बाद हमें ड्रेप्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये ड्रेप है जो हमें पेशेंट के ऊपर डालना है ताकि हम एक स्टराइल एरिया क्रिएट कर सकें, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे हमको पेशेंट के एब्डोमेन पे सब हाथ रखना पड़ता है, तो हमें एक स्टराइल एरिया क्रिएट करना है। तो ये एक कोल्ड टॉवल है, कोल्ड टॉवल हमने रखा हुआ है। उसके बाद ये दिस इज़ अ स्टराइल गाउन फॉर द पर्सन हु इज़ कंडक्टिंग डिलीवरी। ये पैड है पेरिनियल सपोर्ट देने के लिए, बहुत ही ज़रूरी है। एंड देर आर सम एक्स्ट्रा गॉज पैड्स फॉर पैरा यूरेथ्रल सपोर्ट। देन दिस इज़ द बाउल टू रिसीव प्लेसेंटा, ओके। एंड देन वी हैव हियर टू क्लैम्प्स, कॉर्ड क्लैम्प, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जब जैसे बेबी आउट होता है तो कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए ये दो क्लैम्प की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ एपिजियोटमी सीजर फॉर गिविंग एपिजियोटमी, एंड ऑल्सो वी कैन यूज़ इट फॉर कटिंग द कॉर्ड, और अदरवाइज वी कैन कीप सेपरेट, एक अलग से हम ब्लेड रख सकते हैं कॉर्ड कट करने के लिए। उसके बाद डिलीवरी के टाइम पर अगर पेशेंट का ब्लैडर डिस्टेंटेड एंड द यूरिन पेशेंट नॉट एबल टू पास यूरिन, तो उसके लिए हमने एक प्लेन रबर कैथेटर रखा हुआ है टू एम्प्टी द ब्लैडर ऑफ द पेशेंट। और डिलीवरी के बाद में एपिजियोटमी सूचरिंग करने के लिए हमारे पास ये सूचरिंग मटेरियल निडल होल्डर है और ये टूथ फोर्सेप है। उसके अलावा हमने दो एक्स्ट्रा आर्टरी फोर्सेप रखा है जो अगर कोई ब्लीडर्स है तो उसको कैच करने के लिए या सूचर मटेरियल होल्ड करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। और आफ्टर द डिलीवरी इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द वजाइना एंड सर्विक्स, तो सेम स्पेक्युलम है और ये सर्विक्स को होल्ड करने के लिए स्पंज होल्डिंग फोर्सेप रखा है। टू फाइंड आउट इफ देर इज़ एनी टेयर और एनी ब्लीडर्स, वी कैन विथ हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स हम वो चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एक बाउल हमने रखा है टू टेक बीटाडिन इन व्हेन वी नीड बीटाडिन फॉर पोरिंग द बीटाडिन, हमने ये बाउल रखा हुआ है। इसके अलावा देर आर सम अदर आर्टिकल्स विच वी रिक्वायर, ये लोकल है जो हमको लोड करके देना है तभी के तभी डिलीवरी बिफोर गिविंग द एपिजियोटमी। तो ये सूचर मटेरियल है विच कैन बी पुट लेटर ऑन इन द ट्रॉली। देन दीज आर द डिफरेंट साइज नीडल एंड सिरिंजेस, पेयर ऑफ ग्लव्स, एंड मिथार्जिन एंड ऑक्सीटोसिन ऑल्सो वी आर केप्ट रेडी। जैसे ही प्लेसेंटा आउट हो जाता है हमको ये देना पड़ता है टू स्टॉप एंड कंट्रोल द ब्लीडिंग। इसके अलावा हमको बेबी को रिसीव करने के लिए और बेबी को रिससिटेट करने के लिए एक फंक्शनिंग सक्शन मशीन चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो कीप द ऑक्सीजन सिलेंडर रेडी जो फुल होना चाहिए, मेक श्योर दैट ऑक्सीजन इज़ देयर इन दैट। दिस इज़ द वार्मर वी हैव केप्ट टू कीप द बेबी वॉर्म आफ्टर द डिलीवरी। दिस इज़ द बेबी ट्रे टू रिसीव द बेबी विद अ वॉर्म ड्रेप। देन दीज आर द अदर आर्टिकल्स जो हमको बेबी के लिए ज़रूरत पड़ती है, ये कॉर्ड क्लैम्प है, ये ब्लेड है जो एक्स्ट्रा क्लॉथ एक्स्ट्रा जो कॉर्ड है उसको कट करने के लिए, और ये कॉर्ड क्लैम्प है। और इन केस वी नीड टू स्टार्ट IV वी हैव दिस वेजोफिक्स, एंड इन केस वी नीड टू कलेक्ट ब्लड दीज आर द बल्ब्स टू कलेक्ट द ब्लड, ये कैन फिक्स है। IV के सारे सामान हैं। दिस इज़ विटामिन के विच वी नीड टू गिव एट बर्थ, एंड दिस इज़ द सिरिंज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर गिविंग द विटामिन के। उसके अलावा हमें सक्शन कैथेटर्स रेडी रखना चाहिए, ग्लव्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन हु रिसीव्स द बेबी, और दिस इज़ द स्पिरिट स्वैब एंड बीटाडिन स्वैब फॉर क्लीनिंग द कॉर्ड। तो ये सब के अलावा अगर बेबी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है और उसे इंट्यूबेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमने लैरिंगोस्कोप रेडी रखा है, एम्ब्यूज बैग एंड दीज एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये सब चीज़ हमें रेडी रखना है फॉर सेफ्टी ऑफ द बेबी एंड रिससिटेशन ऑफ द बेबी। मेक श्योर दैट द ट्रे इन विच आपने बेबी को रखा हुआ है उसको थोड़ा सा प्रॉप्ड अप रखना है फ्रॉम द फीट एंड साइड ऑफ द बेबी, द हेड शुड बी ऑन दिस साइड एंड इट शुड बी एट द लोअर एंड ऑफ द दिस ट्रे, ताकि जो सिक्रीशंस है उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो अपने आप ड्रेन हो जाए।
हेलो। सो फिर आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और ये आपको नेक्स्ट टाइम आपके डिलीवरी के लिए रेडी रहने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।